कुछ ब्रेक के साथ छेड़खानी नहीं किया मैंने इसके लिए, या मतलब प्रॉपर सर्विस वर्विस नहीं करते ना, तो ये सब चीज़ हो जाता है। इसके लिए टाइम टू टाइम सर्विस करना चाहिए बाइक का भी, ब्रेक्स, लाइनर, ऑयल, वो सब का। आज के वीडियो में बात करने वाले अपन, मेरा जो पल्सर 220 का जो पीछे का कैलिबर था वो प्रॉपर पंप नहीं, मतलब ब्रेक लग रहे नहीं थे और मेरे जो ब्रेक पैड्स रहे थे वो भी थोड़े घिस गए थे। तो जब मैं गैरेज गया, जब वहाँ जाके मेरे को मालूम पड़ा कि जो मेरा कैलिबर है, कैलिबर का जो पिस्टन है वो जो अंदर जा रहा नहीं है एक्चुअली, वो बाहर आ जाता है। जैसे अपना लाइनर बोल रहा हूँ, जैसे अपने ब्रेक पैड घिसते हैं तो वो पिस्टन आगे आगे आ जाता है। तो वही बात था, वो जो मेरा उधर से जो अपन एयर निकालने के लिए जो नट्स रहते हैं वो भी पूरे जैम हो गए थे। तो मतलब कैसा हो रहा था, मैं लाइनर लगा भी देता फिर भी प्रेशर, मतलब होते हैं जो पंप करने के बाद अंदर प्रेशर बनता है एक प्रॉपर, वो बन रहा नहीं था। तो एकदम बोलते हैं हल्का फुल्का जुगाड़ किया, मतलब दोनों भी नट मेरे जैम हो गए थे, तो एक हल्का सा जुगाड़ किया है, तो वो दिखाने वाला मैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को देखो और इन्जॉय करो। तो भाई देखो, कभी कभी अपन जब लाइनर चेंज करते हैं ना, तो ये अंदर एक पिस्टन रहता है, ये पिस्टन जैम हो जाता है। तो अभी वो उसको फ्री कैसा करना है, वो निंजा टेक्निक है भाई, दिखाएगा अभी उसको फ्री कैसा करना है। सब ऑयल वॉयल डालते हैं फ्री करने के लिए, अभी देखते हैं ये फ्री होता है नहीं होता है, या और कुछ करना पड़ेगा। ये पिस्टन को अंदर दबाना पड़ता है ताकि फिर अपना ब्रेक प्रॉपर काम करे। जब भी अपन नया लाइनर वगैरह डालते हैं ना, इसको अंदर दबाना बहुत जरूरी है, तो आपको मजा नहीं आएगा ब्रेक मारने के लिए। अभी नहीं हुआ, पकड़ से किया नहीं हुआ, देखते क्या करना पड़ेगा। अब अपना भाई इसको बाहर ही निकाल रहे हैं भाई, अभी डायरेक्ट बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन पंपिंग वम्पिंग करके थोड़ा चेक कर रहे हो रहा है क्या कुछ मोमेंट। पूरा जाम हो गया वो, बहुत टाइम से मतलब कुछ ब्रेक के साथ छेड़खानी नहीं किया मैंने इसके लिए, या मतलब प्रॉपर सर्विस वर्विस नहीं करते ना, तो ये सब चीज़ हो जाता है। इसके लिए टाइम टू टाइम सर्विस करना चाहिए बाइक का भी, ब्रेक्स, लाइनर, ऑयल, वो सब का। अभी जो अपना जिधर से अपन ऑयल निकालते हैं वो भी थोड़ा जाम हो गया, अभी देखते आज लगता है बहुत जिंदगी में मेरे दर्द होने वाला है। पूरा बहुत चॉकलेट हो गया जिंदगी में मेरे, सब जाम जाम। अगर ये नहीं खुलता है तो एयर बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर वो पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, तो लाइनर नहीं लगेगा। अब लगता है बिना ब्रेक का गाड़ी चलाना पड़ेगा। वो भी नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा, कुछ खुल ही नहीं रहा है उसका। मैं पूरा मास्क अपना कैलिबर पूरा सब जगह से जाम हो गया है, कैलिबर का पूरा एकदम ये हो गया, ऊपर से प्रेशर निकल दिया तो डब्बी में से निकल ही नहीं रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अभी डायरेक्ट लगा देंगे, ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ेंगे। ऑयल चेक करो, अभी ऑयल चेक कर रहे हैं, ऑयल तो लगता नहीं है इसके अंदर, टाइट गया मंजे में। अरे ऑयल है थोड़ा भाई साहब, भाई साहब अपन अभी ऑयल निकला इधर से, देखो रूह अफ़ज़ा जैसा ऑयल निकल रहा है। और अपना भाई वो आयरन मैन है, आयरन मैन भाई हंस रहे खोल दिया, आखिर खोल दिया एकदम जबरदस्त। अभी रिकॉर्डिंग ही बंद था ऐसे बोल रहे हो तब से। तो नट को भी वापस टाइट किया, एयर निकल दिया, अभी पिस्टन भी अंदर जाएगा, लप लप बराबर होएगा। अभी बराबर मेरा गाड़ी एबीएस छोड़ पकड़ एकदम करेगा, एकदम जबरदस्त टाइट टाइट करे। इधर ऑयल का वो अंदर का रबर हम लोग ने क्लीन किया एकदम जबरदस्त। अभी अभी हम इधर ब्रेक दबा रहा हूँ, इधर एबीएस मेरा छोड़ पकड़ कर रहा है बराबर। हो गया आ गया प्रेशर। छोड़ दूँ क्या? और इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है कब से, अभी एबीएस छोड़ पकड़ करेगा बराबर। ट्राई कर मैं देखो।
होल बार टाई नहीं बनता मैम, पैनल हट ना, विंड टाकना रे मैटर कर रहा है, ऑरेंज हो गया पूरा ऑयल, देखते हैं अभी क्या कैसा ऑयल का कंडीशन है। अच्छा है ये ऑयल, चलेगा। ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो डालूँ तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए। चलो,